बच्चों के गले में तीन मुखी रुद्राक्ष, तुलसी की माला, माथे पर हल्का सा चंदन या रोली। ईसाई लोग क्रॉस लटका सकते हैं, ये आप सब जानते हैं, और भी दूसरे धर्म के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे हिंदुत्व के बच्चे, ये सनातनी बच्चे, अपने गले में रुद्राक्ष तुलसी क्यों नहीं धारण कर सकते? वो अपने माथे के ऊपर चंदन क्यों नहीं लगा सकते? रोली क्यों नहीं लगा सकते? जब ये बच्चे पढ़ने को जाएं, मेरी बहनों तुम बच्चों का बहुत श्रृंगार करते हो, तुम्हें पता है भ्रकुटी के मध्य में चंदन का टीका लगाने से आज्ञा चक्र खुल जाता है, यहां तक कि कुंडली जागृति हो जाती है। ये महात्मा लोग जादूगर नहीं होते हैं, इनको ये पता होता है कि पीछे क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इस साधना के द्वारा इनकी कुंडली जागृत हो जाती है, इनको पता लग जाता है पहले से कि आगे होने वाला क्या है, और यह संस्कार आपके बच्चों को मिले। मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, चंदन और रोली का प्रभाव कितना है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, आपदा मपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगा करके, मंदिर में दर्शन करके तुम्हारा बेटा स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए जाएगा, रास्ते में आने वाली जो आपदा है तूफान बन करके निकल जाएंगी, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेगा, उसका कोई बाल बांका नहीं होगा। ये चंदन रुद्राक्ष भगवान के मंदिर में बंदन प्रणाम करने का यह प्रभाव है, यह मुझे विश्वास है। तुम्हारे बच्चे लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे यमराज के यहां भी 12 साल के बच्चों तक के लिए वहां भी छूट है। महात्मा माडब्बे ने पूछा था, यमराज ने ये बात कही थी, इतना तो वो कर सकते हैं। चलो ठीक है, कभी रसोई में लहसुन प्याज की रसोई बन गई है, उतने समय के लिए वह अपने रुद्राक्ष को उतार कर भगवान के मंदिर के सामने रख दें। आपके कंठ में पड़ा हुआ है रुद्राक्ष गलत काम नहीं करने देगा, बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, बच्चे को भटकने नहीं देगा। क्यों? इस धरती पर महादेव का आशीर्वाद ही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। तो बच्चों के कंठ में तीन मुखी रुद्राक्ष भी पहनाइए। तत्पश्चात अगले सूत्र का मैं निवेदन करता हूं, बच्चों को ब्रह्मा जी का मंत्र या सरस्वती जी का मंत्र या दोनों मंत्र ये दीजिए। सुबह बच्चे नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद जब वो स्कूल के लिए जाते हैं, तो सुबह मंदिर में भले वो 5 मिनट बैठे, नेत्र बंद करके उंगलियों के ऊपर ही यह नाम बोल दें, ओम ब्रह्मणे नमः। आपका बच्चा मेधावी न बन जाए, आप जो कहे मैं क्या बोलूं, कहीं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, इसका प्रभाव मैं जानता हूं, ये मैंने अनुभव में किया है। आप अपने बच्चों के मंत्र दीजिए तो सही, उन्हें बोलिए, आपको देने का अधिकार है, क्योंकि हमारे उपनिषदों ने कहा है मात्र देवो भव। पहला अधिकार बच्चे को मंत्र देने का माँ का है, मात्र देवो भव। पिता का अधिकार है पितृ देवो भव, और गुरुओं का तो नंबर बाद में आता है। ये मंत्र आप दीजिए, ये मंत्र मैं यहां से आपको लिखा रहा हूं, ओम ब्रह्मणे नमः। ये बनाता है, ब्रह्मा बनाते हैं ना, ब्रह्मा रचना करते हैं, आपका बच्चा बनेगा।